मांझे ने कई बेजुबान पक्षियों की जान ले ली है। कल पूरे देश भर में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया। मुंबई में धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। इस पर्व को लेकर हर साल प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है ताकि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को पतंग के मांझे से नुकसान ना पहुंचे। इस साल भी मुंबई पुलिस ने नायलॉन के मांझे पर प्रतिबंध लगाया था। खरीदी बिक्री और इसके भंडारण पर प्रतिबंध लगाया था, बैन लगाया गया था। इसके बावजूद भी कई सारी घटनाएं ऐसी सामने आ रही है जिसमें देखा जा रहा है कि नायलॉन के मांझे की वजह से पक्षियों की जाने गई है, पक्षी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी आपको बता दें कि मीरा रोड, ठाणे, मुलुंड, भांडुप, पवई, बोरीवली समेत मालवार हिल ऐसे कई इलाकों से बेजुबान पक्षियों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। और इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्राणी संरक्षण संस्था अम्मा केयर, फाउंडेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी मुंबई की ओर से इन पर उपचार किया गया है। इन घायल पक्षियों में 11 कबूतर, एक मैना सहित अन्य बेजुबान पक्षी शामिल है जिनका उपचार इन संस्था की तरफ से किया जा रहा है। और ये सभी 11 कबूतर और एक मैना मकर संक्रांति के पर्व पर नायलॉन के मांझे की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।